प्रभावी सुनना और जवाब देना। हमने चर्चा की है कि एक अच्छे सूत्रधार के लिए बात करने से ज्यादा सुनना कितना महत्वपूर्ण। हमने यह भी चर्चा की है कि कैसे हम लोगों से सही सवाल पूछकर उनसे बात करवा सकते हैं। लेकिन सुनना सुनने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया से कहीं बढ़कर है। प्रभावी सुनने में वास्तव में सुनना शामिल है, ताकि वक्ता को लगे कि आप ध्यान दे रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। प्रभावी सुनने के कई सरल तरीके हैं। आई कॉन्टैक्ट। स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखने से वे आपके साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें ध्यान देने का उचित सम्मान भी मिलता है। बॉडी लैंग्वेज। यह सबसे अच्छा है कि आपका शरीर स्पीकर की ओर हो और आप उचित रूप से सिर हिला रहे हैं। यह व्यक्त करने के लिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। यह स्पीकर को बात करने के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। पैराफ्रेजिंग। स्पीकर के बोलने के बाद यह आदर्श है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे अपने शब्दों में कहें और दूसरों को सुनने के लिए दोहराएं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आपने उन्हें सही ढंग से सुना है और यह कि दूसरों को भी स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया गया है। यह स्पीकर को अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास की भावना भी देता है। प्रशंसा। स्पीकर को अक्सर कुछ कहने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, खासकर एक सार्वजनिक बैठक में। ऐसे में उत्साहजनक शब्दों का उपयोग करना सहायक होता है, जैसे आपने अच्छा कहा या आपकी बात में दम है या यह एक अच्छा प्रश्न है। प्रशंसा न केवल वक्ता को बल्कि उपस्थित अन्य लोगों को भी आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। नकारने से बचना। भले ही वक्ता सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हो, बजाय इसके कि नहीं या यह गलत है जैसे शब्दों से उन्हें तुरंत नकार दिया जाए, यह कहकर प्रोत्साहित करना ज्यादा असरदार होगा कि यह एक अच्छा प्रयास है लेकिन हम इसे ऐसे बेहतर बना सकते हैं या क्या कोई और इसे और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है या मैं आपकी बात समझ रही हूँ। यह सही बिंदु पर पहुँचने में मदद करेगा लेकिन वक्ता या अन्य श्रोताओं को हतोत्साहित किए बिना। याद रखें, प्रभावी ढंग से सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रभावी ढंग से बोलना, और यह आपको एक कुशल फैसिलिटेटर बना देगा।